नमस्कार दोस्तों। दोस्तों काम की बातों के अंतर्गत आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको सबकी नजर में अच्छा बना देंगी। दूसरों से अलग खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी अच्छाई के साथ। आपको एक अच्छा हमसफर, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा जीवन साथी सब कुछ बनना पड़ेगा। एक अच्छाई के साथ अपने रिश्तों को निभाइए, ना सिर्फ पत्नी के साथ बल्कि अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी अपने रिश्तों में बहुत घनिष्ठता डालिए। ईमानदारी से अपने रिश्तों का पालन कीजिए। आप अलग दिखाई देंगे, आप अलग प्यार पाएंगे, आप करोड़ों से ज्यादा सम्मान पाएंगे और आपकी तारीफ के पुल चारों तरफ बन जाएंगे। बस कुछ आदतें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। नंबर एक, आपको सबकी केयर करना सीखना पड़ेगा। सिर्फ अपने घर के सदस्यों की नहीं, बाकी लोगों की केयर भी आपको करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा गुण होता है जो आपको अपने में विकसित करना पड़ेगा। नंबर दो, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपको उनकी खूब मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी और तरह तरह के पकवान बनाकर उनको खिलाइए। उनके स्वाद का ध्यान रखिए, ये आपको दूसरों से अलग बना देगा। नंबर तीन, आप पुरुष हो या महिला, अपने माँ बाप का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर उन्हें पैर दबाने की जरूरत है तो आपको इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। नंबर चार, अगर परिवार के किसी सदस्य की रात को अचानक तबीयत खराब हो जाए तो आपको तेल मालिश से लेकर हर चीज का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आप कहीं घूमने जाते हैं तो निसंदेह आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। गोद में उठाने से लेकर उनकी केयर करने तक, उनका हाथ पकड़ने तक, उनकी हर बात का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये भी चीज आपको दूसरों से अलग कर सकती है। दूसरों से अलग खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी अच्छाई के साथ। आपको एक अच्छा हमसफर, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा जीवन साथी सब कुछ बनना पड़ेगा। एक अच्छाई के साथ अपने रिश्तों को निभाइए, ना सिर्फ पत्नी के साथ बल्कि अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी अपने रिश्तों में बहुत घनिष्ठता डालिए। ईमानदारी से अपने रिश्तों का पालन कीजिए, ये बात भी आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी। अगर आपने ये सिर्फ चंद चीजें कर ली तो देखना आपके लिए प्यार, आपके लिए सम्मान और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मिलेगी। इतना आशीष मिलेगा कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और तब आप अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करेंगे। आपका जो मान सम्मान होगा, आपका जो इज्जत होगी, वो दूसरों से अलग होगी। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए और कोशिश कीजिए कि आप सबका प्यार पा सकें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।